वेलकम बैक टू द गोसाई क्लासेस। तो सभी का स्वागत करते हैं गोसाई क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी एफसीआई पंजाब एंड हरियाणा वॉचमैन के लिए है। तो सबसे पहले तो बता दो भाई, बहुत सारे भाई वेट कर रहे थे 28 तारीख का, भाई केस की क्या सुनवाई होगी। तो बहुत सारे भाइयों को डाउट था कि 28 तारीख को जो फुल एंड फाइनल हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा और हमारी डीवी की डेट आ जाएगी। जहां तक मुझे भी ऐसे था भाई, फुल एंड फाइनल इसके 28 तारीख को निबट जाएगा और कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। पर जैसे सारे भाइयों को पता, कोई ना कोई ग्रुप में भाई जुड़ा ही हुआ है, तो इसकी जो डेट है, जो केस चल रहा है, उसकी 16 तारीख कर दी गई है अगले महीने की। ठीक है, तो अब हम 16 तारीख तक तो वेट नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो पहले तो बता दो, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं सर इसका हमारी डीवी के साथ में जो हमारा ये केस चल रहा है, जो हमारी डीवी के साथ इसका कोई लिंक है या नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो बात करें, अगर हम वहां पे पता करते हैं, चाहे हम चंडीगढ़ पता करें चाहे हम पंचकुला पता करें, तो वो सीधा कह देते हैं भाई इससे केस से कोई लेना देना नहीं है। पर एक हम थोड़ा सा मेंटली सोचे तो कहीं ना कहीं इसका लेना देना हो भी सकता है। उसका कारण ये है, क्योंकि जब भी एफसीआई डेट बताता है तो वो हाई कोर्ट की ना डेट देके बताता है भाई इस तरीके को पेशी है। ठीक है, तो वो देख लेता भी, सोच लेता होगा एफसीआई भाई इस तरीके को पेशी है तो इसको फुल एंड फाइनल कोई ना कोई आ जाएगा, हम इसके बाद मतलब डीवी निकाल देंगे। पर जैसे हाई कोर्ट आगे की आगे कर रहा है, तो वैसे ही एफसीआई भी आगे की आगे कर रहा है। अगर डेट की बात कर रहा हूं, तो वो जैसे जैसे हाई कोर्ट डेट आगे कर रहा है, तो एफसीआई भी डेट आगे कर रहा है डीवी की। तो ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो लिंक हो भी सकता है ना। तो इसलिए चाहे लिंक है चाहे नहीं है, हमें तो हमारी भर्ती तक मतलब है, ये भर्ती पूरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं आया, तो इसलिए सभी भाइयों ने सोचा और मैंने ठीक है सबसे बात की है। तो इसलिए 3 अक्टूबर को सभी भाइयों ने जाने की सोचा है, कहां पर, चंडीगढ़। जो जिनका एग्जाम पंजाब में सिलेक्शन हुआ है पंजाब एफसीआई में, वो तो जाएंगे चंडीगढ़, और जिनका हरियाणा में सिलेक्शन हुआ है वो पहुंचेंगे पंचकुला 3 तारीख को, 3 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 9:30 बजे। ठीक है भाई, तो जो भाई मेरा वीडियो देख रहा है, तो 100% भाई सारों भाइयों को ये कह रहा हूं, सारों में पहुंचना 100% अपनी मतलब अटेंडेंस देनी है। जो भाई वीडियो देख रहा है, ऐसा ना हो भाई थोड़ा सा मतलब ऐसे देख के वीडियो देख के और सोच लें चलो कोई नहीं थोड़े बहुत चले जाएंगे उससे हमारा काम चल जाएगा, भाई ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि मैं भी वीडियो बना के बार बार रख चुका हूं। ठीक है, मेरी भी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मुझे दिन में पता नहीं कितनी कॉलें आ जाती हैं। तो बहुत सारे भाई सोचते होंगे भाई कॉल नहीं उठाता, भाई कितनी कॉलें उठाऊं, क्योंकि कॉल पे कॉल आती रहती है ना। तो मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा हूं, तो इसलिए भाई ये मतलब बारी बारी नहीं होगा। एक बारी 3 तारीख को सभी जो है चंडीगढ़ मिलेंगे, पंजाब वालों की बात कर रहा हूं, और हरियाणा वाले पंचकुला जाएंगे। ठीक है, तो ये बात मैं फुल एंड फाइनल कह रहा हूं, लास्ट बार। ठीक है, जो भी है वहां पे जाके पता कराएंगे, अगर इसका केस से लेना देना हुआ तो वो भी बता देंगे, अगर केस से लेना देना नहीं है तो वो भी चीज बता देंगे। अगर लेना देना हुआ, केस से हुआ, तो उनको कहेंगे इसको जल्दी से जल्दी जो भी है केस को रफा दफा करो, सारा पॉइंट क्लियर करो। ठीक है, तो हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी कराओ। अगर केस से लेना देना नहीं है तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम वहां पे जाके रखेंगे। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं भाई, अगर कोई भाई नहीं आया और बाद में मुझे मैसेज करके पूछ रहा है भाई सर बताएं वहां पे क्या हुआ, मेरे से आया नहीं गया, मेरी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे से मत पूछो। ठीक है भाई, तो मैं इस बारी लास्ट बारी आऊंगा। ठीक है, तो सभी भाइयों को कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे नहीं है हर एक ग्रुप में कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, वो 10 तारीख बना लेगा, कोई 17 तारीख बना लेगा, कोई अपनी डेट बना रहा है, तो ऐसे नहीं आया जाता बारी बारी। क्योंकि बहुत सारे भाई कॉल करके कहते हैं सर इस तारीख को जाना है, आप वीडियो बना दो इस तारीख को जाना है, ऐसा नहीं होएगा। एक डेट डिसाइड कर दी गई है सभी के द्वारा 3 अक्टूबर। ठीक है, तो सभी भाइयों ने 9:30 बजे वहां पे पहुंच जाना है, फिर बता रहा हूं पंजाब वाले चंडीगढ़ और हरियाणा वाले पंचकुला। ठीक है, हमारे केस से कुछ भी लेना देना है, कोई भी अपडेट है, हमें वहां पे जाके ही पता करेंगे, तसल्ली बख्श हम अपना काम करके आएंगे। ठीक है, जैसे हमने दिल्ली से मिनिस्ट्री से फाइल निकाल ली, मिनिस्ट्री से सारा काम करवा लिया, तो अब तो हमारा काम बिल्कुल मतलब ऐसे बस ऐसे समझ लो 100% कंप्लीट होने की देरी पे, थोड़ा सा काम अड़का हुआ है, पर हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई बाद में कोई और डेट बनाए फिर चले, क्योंकि भाई बाद में इलेक्शन आ जाएंगे और हमारी जो पोस्ट है वो बीच में रह जाएगी, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में इलेक्शन आ गए फिर हमें कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए जो भी काम है हमें अभी की अभी करना होगा। इसलिए कम से कम वहां पे मुझे 800 बच्चा चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ मैं मिलूंगा, चंडीगढ़ में मैं 9:30 बजे वहां पे पहुंच जाऊंगा भाई। ठीक है, तो वहां पे मुझे 800 बच्चा चाहिए सारे, जो मेरे साथ खड़ा हो। ठीक है ना, मैं साथ में हूंगा सारा, मैं भी आपके जैसा ही हूं भाई, तो इसलिए सभी ने पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी, और जो भाई आ रहा है वो कमेंट जरूर कर दे। ठीक है भाई, आ रहे हैं और बता दे भाई कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलना 3 तारीख को। ठीक है, क्योंकि अभी 2 तारीख की तो छुट्टी आ गई ना 2 अक्टूबर की, तो जल्दी मिलेंगे भाई। तो जो भी अपडेट है आप वहां पे जाके ही पता लगाएंगे। ठीक है, बार बार कॉल ना किया करो। तो हम फिर मिलेंगे, सबको सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे, जय।